फ्रेंड्स, मेरे कई ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो पूछते हैं कि हैज बीन टू या हैव बीन टू क्या है। आप कहते हैं कि इस कंसेप्ट को लेकर अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। तो आइए फ्रेंड्स, उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। सब्जेक्ट के साथ हैव बीन टू या हैज बीन टू के साथ एक नाउन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि कोई इंसान किसी जगह से आ चुका है या हो आया है, यानी इस स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है होकर आना। जैसे अगर आपको कहना हो कि मैं मुंबई होकर आ गया हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव बीन टू मुंबई। अगर आपको कहना हो कि मैं कॉलेज होकर आया हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव बीन टू कॉलेज। अगर आपको कहना हो कि वह बाजार होकर आया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही हैज बीन टू मार्केट। अगर आप कहना चाहें कि वह आगरा होकर आ गया है या वह आगरा हो आया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही हैज बीन टू आगरा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जब आपको कहना हो कि कोई इंसान किसी जगह से हो आया है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे हैव बीन टू या हैज बीन टू। उसके बाद आप वो नाउन बोलेंगे जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अगर आपको कहना हो कि क्या आप मेरा घर होकर आए हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हैव यू बीन टू माई होम। अगर आपको कहना हो कि क्या आप हॉस्पिटल होकर आए हैं, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हैव यू बीन टू हॉस्पिटल। अगर आपको कहना हो कि क्या आप चर्च होकर आए हैं, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हैव यू बीन टू चर्च। और अगर आपको आंसर में कहना हो कि हाँ मैं चर्च होकर आया हूँ, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यस आई हैव बीन टू चर्च। फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि हैव बीन टू या हैज बीन टू का इस्तेमाल एक नाउन के साथ हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि कोई इंसान किसी जगह से हो आया है या किसी जगह को जाकर लौट आया है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह लेसन समझ में आया, तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।